ब्रेन स्लिप्स के दरमियान में से क्या चीज निकल रही है, डिजिटल नर्व्स एंड वेसल्स। और इसकी जो है यहाँ से जो मीडियल साइड पे है उसको हम कहते हैं मीडियल प्लांटर फेशिया, और जो लेटरल साइड पे है उसको कहते हैं लेटरल प्लांटर फेशिया। ये जरा थिन होता है, और ये दरमियान में जो प्लांटर एपिनिवासिस है ये थिक होता है, और ये कैल्केनियम के साथ अटैच है। फिर इसकी 5 स्लिप्स हैं, फिर इसकी 2-3 एक्सटेंशन हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक एक्सटेंशन जो है वो बनाती है डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट। ये जो नीचे नजर आ रहा है ये मेटाटार्सल के दरमियान में लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट, तो ये भी एक डीप फेशिया की थिकनिंग होती है। अब मैं एक और चीज होती है, हम उसको कहते हैं फ्लेक्सर शीथ ऑफ द टेंडन्स। जो हमारे लॉन्ग टेंडन्स होते हैं उनके इर्द गिर्द फ्लेक्सर शीथ होती है। आपने अपर लिम में भी पढ़ी थी जिसको अल्नर बर्सा रेडियल बर्सा कहते थे, वो फ्लेक्सर शीथ होती है। तो यहाँ पर भी फ्लेक्सर शीथ होती है। तो प्लांटर एपिनोरासिस मुश्किल है या आसान है? सर आसान है। आसान है। इसकी शेप है ट्राइंगुलर, और ये कैल्केनियम के मीडियल एंड लेटरल ट्यूबरकल के साथ अटैच होता है। इसकी फिर 5 स्लिप्स होती हैं। इसके मीडियल साइड पे जो होता है उसको हम कहते हैं मीडियल प्लांटर फेशिया, जो लेटरल साइड पे होता है उसको कहते हैं लेटरल प्लांटर फेशिया। फिर इसके अंदर से, इसके मीडियल और लेटरल मार्जन के अंदर से एक या वर्टिकल इंटरमस्कुलर सेप्टा निकलते हैं, जो के अंदर जो हमारे सोल ऑफ फुट के डिफरेंट मसल्स है ना, उनको डिफरेंट ग्रुप्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। यानी एक मसल खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है, उनके दरमियान में जो सेप्टा होता है वो यहीं से अराइज होकर वहाँ दरमियान में उनकी सेपरेशन कर देते हैं। मेरी बात समझ आई है? सेप्टा बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि डिफरेंट मसल्स को अलग अलग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मीडियल एंड है और जो लेटरल एंड है, यहाँ से कुछ सेप्टा निकलते हैं जो सोल ऑफ द मसल या सोल ऑफ द फुट के डिफरेंट मसल्स को अलग अलग करते हैं। समझ आई बेटा? यस सर। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत इस पिक्चर में बनाया गया है। ये कैल्केनियम के साथ अटैच है इसकी एपेक्स, फिर ये आगे आके 5 स्लिप्स बन रही हैं, फिर इनके दरमियान में डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट नजर आ रहा है, फिर ये मीडियल और लेटरल प्लांटर फेशिया है जो कि पतला है बारीक है, और इसके दरमियान में से डिजिटल नर्व एंड वेसल्स निकल रही हैं। और अगर इसमें इसका काम क्या है, इसके 4 फंक्शंस हैं। ये स्किन को फर्मली अटैच करता है, और ये ओरिजिन प्रोवाइड करता है डिफरेंट मसल्स का, और ये प्रोटेक्ट करता है प्लांटर नर्व्स एंड वेसल्स को, और ये मेंटेन करता है प्लांटर आर्चेस को। ठीक है ना, ये 3-4 इसके फंक्शन आपने देख लेने हैं। आर्चेस को मेंटेन कैसे करता है? अगर कोई आर्च हो और उसकी जो बुनियाद है उसके दरमियान